डिकार्टेज रूल पढ़ाते सब लोग हैं, इसके एप्लीकेशन भी सब लोग समझाते हैं, लेकिन मैंने हार्डली कोई टीचर को देखा या किसी बुक को देखा है कि जिसमें उसने समझाया हो कि ये रूल को प्रूव कैसे करते हैं। तो जनरली क्या है, लोग इसके प्रूफ को स्किप करते हैं, प्राइमरली क्योंकि एक तो इसका प्रूफ मिलना बहुत मुश्किल है, और दूसरा जो भी प्रूफ्स दिए जाते हैं वो यूजुअली थोड़े से लेंथी प्रूफ्स हैं और थोड़ा समझने में डिफिकल्ट है। तो बहुत सारे टीचर्स को खुद पता नहीं कि डिकार्टेज रूल को कैसे प्रूव करते हैं। तो अपने ये प्रूफ को दो पार्ट्स में देखेंगे। पार्ट वन में हम लोग प्रूव करेंगे कि जो s माइनस पी है ये एक इवन नंबर आएगा, और दूसरे पार्ट में हम लोग प्रूव करेंगे कि s माइनस पी का जो वैल्यू है वो नॉन निगेटिव है, या तो वो जीरो है या जीरो से बड़ा है। तो अगर हम पहले पार्ट की बात करें कि जहां पे अपने को प्रूव करना है कि s माइनस पी जो है वो एक इवन नंबर है, तो अपने काम करते हैं कि एक पॉलीनोमियल इक्वेशन लेते हैं, एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन ए टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू एन प्लस ए एन इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे मैंने एक मोनिक पॉलिनोमियल लिया है जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है। मोनिक पॉलिनोमियल लेने के बाद भी वो एक जनरल पॉलिनोमियल रहेगा, तो कोई एक स्पेशल केस नहीं है, एक जनरल केस ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इस जनरल केस में अपने टू केसेस कंसीडर करते हैं। केस वन, कि जब ए एन लेस देन जीरो है, और केस टू कि जब ए एन ग्रेटर देन जीरो है। तो अगर ए एन लेस देन जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि f0 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, an, और f0 का वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो अगर हम ये ग्राफ को देखें तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूअस होगा, नेगेटिव से स्टार्ट होगा, और क्योंकि मोनिक पॉलिनोमियल है तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो यहां से जब भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो माइनस से प्लस जब भी जाएगा, तो इसके जो नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स होंगे वो हमेशा एक ऑड नंबर होगा। तो यानी ये केस में अगर हम बात करें तो आपका जो पी है वो पी जो है हमेशा एक ऑड नंबर रहने वाला है। अब अपने को डिसाइड करना है कि अपना जो एस है वो एस एक ऑड नंबर रहने वाला है या फिर एक इवन नंबर रहने वाला है। तो अपने को एक चीज पता है कि ये प्लस से शुरू होगा, और जो आपका लास्ट कोएफिशिएंट है an, लास्ट कोएफिशिएंट an माइनस है। अब बीच में जो है आपके प्लसेस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए काम करते हैं, एक बार अपने सब कुछ मान लेते हैं कि सब कुछ सपोज प्लस है, है ना? तो अगर इसमें, तो अभी साइन चेंज कितना है, अभी साइन चेंज इसमें सिर्फ एक ही है। सपोज हम इसमें एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस कर देते हैं कहीं पे भी, सपोज मैंने कहीं पे एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस कर दिया, तो एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस करने से कितना साइन चेंज और हो गया, दो साइन चेंज और हो गया। सो टू प्लस वन क्या है, ऑड नंबर है। सपोज ये माइनस साइन को आपने यहां इंट्रोड्यूस नहीं करके यहां पर इंट्रोड्यूस करते हैं, तो कितना साइन चेंज है, तो अभी भी साइन चेंज वन ही है, अभी भी ऑड नंबर है। अभी एक के बजाय सपोज दो माइनस साइन इंसर्ट कर देते हैं, अगर दो माइनस साइन इंसर्ट कर दिया तो प्लस प्लस, सपोज माइनस माइनस, तो कितना साइन चेंज हुआ, एक दो और तीन, तो वापस से साइन चेंज थ्री हुआ। अगर इन दोनों को अलग अलग इंसर्ट करते हैं प्लस प्लस माइनस, तो कितना हुआ, एक दो, एक दो और ये, तो कितना फाइव। यानी कि अगर अपना पॉलिनोमियल जो है प्लस से शुरू होकर नेगेटिव पे खत्म होता है, तो अगर आप उसमें कभी भी माइनस साइन इंसर्ट करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ साइन चेंज जो है हमेशा एक ऑड नंबर आएगा। तो यहां से अपने बोल सकते हैं कि ये जो एस रहेगा वो हमेशा एक ऑड नंबर रहने वाला है। तो अगर पी ऑड है और एस ऑड है, तो इसका मतलब कि एस माइनस पी जो है वो हमेशा क्या रहेगा, एस माइनस पी जो है वो हमेशा एक इवन नंबर रहेगा। अब बात करते हैं दूसरे केस का। दूसरा केस, जबकि ए एन का वैल्यू पॉजिटिव है। तो अगर ए एन का वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये ग्राफ पॉजिटिव से शुरू होगा, तो एफ जीरो का वैल्यू ए एन जो कि पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव से शुरू होकर इनफाइनाइट पे ये वैल्यू कितना, इनफाइनाइट पे ये वैल्यू पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से शुरू होकर पॉजिटिव पे जाएगा, तो कभी भी ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वो पेयर्स में इंटरसेक्ट करेगा। इवन अगर वो टच भी करता है, सपोज एक्स एक्सिस को टच कर लिया, तो वहां पर उसका डबल रूट हो जाएगा, और डिकार्टेस थ्योरम में अपने डबल रूट को टू रूट्स कंसीडर करते हैं। तो वो केस में हमेशा जो पी का वैल्यू आएगा, कि नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स जो आएंगे वो कैसे आएंगे, वो हमेशा एक इवन नंबर आएगा। तो अगर पॉजिटिव से पॉजिटिव क्या, तो वो केस में ये जो नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स है वो आपका इवन नंबर है। अब साइन चेंज की अगर बात करें, कि सपोज प्लस, सो प्लस से प्लस, तो अगर सपोज कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है, तो उस केस में जो नंबर ऑफ साइन चेंज है एस का वैल्यू कितना आएगा, एस का वैल्यू आपका जीरो आएगा। नाउ सपोज एक नेगेटिव साइन इसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं, एक नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस कर दिया, प्लस माइनस प्लस, तो कहीं पे भी अगर आप एक नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करेंगे, तो साइन चेंज कितना हुआ, एक बार प्लस से माइनस, एक बार माइनस से प्लस,
तो यहाँ पे एस का वैल्यू कितना 2, तो कहीं पे भी आप एक नेगेटिव साइन डाल दीजिए या कहीं पे भी दो नेगेटिव साइन आप डाल दीजिए, तो अगर दो डाल दिया तो यहाँ कितना हो गया 2 डाल दिया, तो अभी भी एस का वैल्यू 2, अगर दोनों को अलग अलग डाल देते हैं तो 1, 2, 3, 4, तो वो केस में कितना एस का वैल्यू 4। तो कभी भी आपका जो एस का वैल्यू रहने वाला है वो एस का वैल्यू हमेशा इवन नंबर रहने वाला है। तो यहां से अपने ये बोलेंगे कि यहां से भी जो एस का वैल्यू क्या है, एस का वैल्यू इवन है, तो अगर एस इवन है और पी इवन है तो वो केस में आपका एस माइनस पी जो है वो क्या होगा, वो आपका एक इवन नंबर होगा। तो यानी कि अपने प्रूफ का पहला पार्ट हमने कर लिया कि एस माइनस पी जो है वो इतना तो हमको पता है कि वो एक इवन नंबर रहने वाला है। तो अब अपने आते हैं दूसरे पार्ट पे कि जहां पे अपने को प्रूव करना है कि एस माइनस पी का जो वैल्यू है वो नॉन निगेटिव है, यानी कि एस माइनस पी जो है वो जीरो या जीरो से बड़ा है। तो अपने इसको प्रूव करेंगे इंडक्शन से। तो इंडक्शन के लिए सबसे पहले अपने केस लेते हैं कि सपोज दिस इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स वन। तो एक मोनिक लीनियर पॉलीनोमियल ले लेते हैं कि जैसे x प्लस ए इक्वल जीरो। तो अब ये केस में अगर a पॉजिटिव है तो वो केस में s का वैल्यू कितना 0, कोई भी साइन चेंज नहीं है, इसका पॉजिटिव रियल रूट 0, तो s माइनस पी का वैल्यू कितना, s माइनस पी का वैल्यू 0। और a अगर नेगेटिव है तो वो केस में साइन चेंज कितना, एक बार हुआ प्लस एंड माइनस, तो एक बार साइन चेंज, इसका रूट क्या है, एक रियल रूट, पी का वैल्यू 1, तो फिर से एस माइनस पी का वैल्यू कितना 0। तो अगर एन का वैल्यू 1 है तो ये इक्वेशन का एस माइनस पी जो है वो हमेशा 0 होगा, तो जो कि अपने हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता है। अभी अपने अज्यूम करते हैं कि लेट इट बी ट्रू फॉर ऑल एन के माइनस 1, यानी कि कोई भी के माइनस 1 डिग्री का पॉलिनोमियल अगर है, तो सपोज अगर अपने बोलते हैं कि कोई एक जी एक्स पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री अगर के माइनस 1 है, तो सपोज उसका नंबर ऑफ साइन चेंज एस डैश है और नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स पी डैश है, तो एस डैश माइनस पी डैश जो है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। अब अपने को एन के माइनस 1 को यूज करते हुए प्रूव करना है कि ये जो है इट विल बी ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के। तो एन इक्वल्स टू के के लिए अपने एक पॉलीनोमियल फंक्शन अज्यूम करते हैं, लेट एफ एक्स इज एक्स टू द पावर के प्लस ए वन एक्स टू द पावर के माइनस 1, ए टू एक्स टू द पावर के माइनस 2, एंड देन ए के माइनस 1 इंटू एक्स, एंड देन ए इंटू के। तो सपोज हमारे पास एक पॉलीनोमियल इक्वेशन है और ये पॉलीनोमियल इक्वेशन के लिए सपोज नंबर ऑफ साइन चेंज जो है वो एस है और नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स जो है वो पी है। अब अपने को प्रूव करना है कि एस माइनस पी जो है वो जीरो या जीरो से बड़ा होगा। अब अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स अगर किए तो क्या होगा, के इंटू एक्स टू द पावर ऑफ के माइनस 1, के माइनस 1 ए वन एक्स टू द पावर ऑफ के माइनस 2, एंड देन ए के माइनस 1, एंड देन प्लस 1। अब डिफरेंशिएट करने से यहां पे, क्योंकि ये जितने भी पावर्स हैं के माइनस 1 के माइनस 2 ये सब पॉजिटिव वैल्यूज है राइट, तो यहां पे ये जो कोफिशिएंट्स थे इनके साइन में कोई भी चेंज नहीं हुआ, यानी कि इनका इनका साइन जैसा पहले था अभी भी वैसा ही है। तो जैसे पहले अपने पास सीक्वेंस था 1 ए 1 ए 2 ए के माइनस 1 और ए के, तो अब अपने पास जो सीक्वेंस आएगा वो आएगा 1 ए 1 ए 2 ए के माइनस 1 इनके कोफिशिएंट्स के साथ, लेकिन साइन जो है इसमें साइन चेंज नहीं होगा। तो सपोज इसका जो साइन चेंज है वो है एस डैश। अब ये जो एस डैश होगा नंबर ऑफ साइन चेंज, तो अगर ए के माइनस 1 और ए के दोनों का साइन सेम है तो एस डैश का वैल्यू जो है वो एस के बराबर आएगा, ये नंबर ऑफ साइन चेंज जो एफ एक्स के लिए वो सेम रहेगा। और अगर ए के माइनस 1 और ए के दोनों अपोजिट या डिफरेंट साइन का है, तो यहां पे एक साइन चेंज पहले यहां पे होता था जो कि अब नहीं होगा, तो फिर एस डैश का वैल्यू या फिर होगा एस माइनस 1। यानी आपका जो एस डैश है वो या तो एस है या फिर एस माइनस 1 है। तो अपने यहां से लिख सकते हैं कि एस डैश इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू एस। अब बात करते हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स का। तो अब ये इक्वेशन के लिए नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स कितना है, पी। अब अगर ये फंक्शन को हम देखें, ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसके सारे रूट्स पे
इसका वैल्यू जीरो होगा। तो अगर इसके कोई भी दो रूट्स के बीच में रोलीज थ्योरम अप्लाई करें, क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशियबल है और हर रूट पे इसका वैल्यू जीरो आएगा, तो एफ अल्फा वन इक्वल जीरो, एफ अल्फा टू इक्वल टू जीरो, इसके दो सक्सेसिव रूट्स के बीच में एटलीस्ट एक रूट आएगा जहां पे एफ डैश एक्स जीरो होगा। यानी इसका मतलब कि ये जो एफ डैश एक्स है तो एटलीस्ट इसके पी माइनस वन रियल रूट्स होंगे, यानी कि इस इक्वेशन के एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो जो कि के माइनस वन डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसके नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स जो है वो होंगे p माइनस वन या p माइनस वन से ज्यादा। अब इंडक्शन से हमने पहले अज्यूम किए थे कि ये जो डिकार्टेज रूल ऑफ साइन है वो एप्लीकेबल है किसी भी पॉलिनोमियल के लिए जिसका डिग्री k माइनस वन है, यानी इसका मतलब कि डिकार्टेज रूल अपने एफ डैश एक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर एफ डैश एक्स के लिए अप्लाई करेंगे तो यहां से अपने लिख सकते हैं कि एस डैश माइनस पी डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, दैट इज एस डैश शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू पी डैश। नाउ एस डैश कैसा है, एस डैश एस से छोटा है, तो अपने यहां से लिख सकते हैं एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस डैश एंड पी डैश इट इज ग्रेटर देन, तो पी डैश क्या है, पी डैश इज ग्रेटर देन पी माइनस वन, तो पी माइनस वन, तो यहां से अपने बोल सकते हैं कि एस माइनस पी शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस वन। लेकिन पहले पार्ट में अपने ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि एस माइनस पी जो है वो एक इवन नंबर होना चाहिए, तो यानी एस माइनस पी का वैल्यू माइनस वन तो नहीं हो सकता, तो अगर माइनस वन नहीं हो सकता तो यहां पे एक ही पॉसिबिलिटी बचता है, वो है एस माइनस पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो अपना सेकेंड पार्ट प्रूव हो गया कि एस माइनस पी जो है या तो जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए, और फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी प्रूव किया कि वो एक इवन नंबर है। तो इस तरीके से अपने जो है डिकार्टेज रूल ऑफ साइंस को प्रूव करते हैं। नमस्कार, मैथ्स की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। मेरा सभी ने आग्रह है कि मेरी वेबसाइट www.maximizing.com और मेरे YouTube चैनल Maximizing का अवलोकन करें, और यदि आपको अच्छा लगता है और आपको प्रेरित करता है तो सब्सक्राइब करने का विचार करें और इसे शेयर करें उनके साथ जो इसे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।